बोलिए पढ़ रहे पत्रकार हो, बोलिए की जूते सीधी करने वाले पत्रकार हो। अरे चौरसिया सुधर जा, ये प्रदर्शन है जिसमें भद्दी और गंदी गालियां दी जा रही है। अरे तू भी सुधर जा सुअर की शक्ल के। ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर अगर कोई करता है तो गुनहगार है क्या? तो कोरोना भाई क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैंने निजी तौर पर बोला मेरे को कि मैं अमीश देवगन को छोड़ूंगा नहीं। बताओ क्या करोगे तुम, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम क्या कर लोगे? अबे साले तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अगर पलट के मैं आपको 400 बोलूँ तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूँ। देखो इंसान को मुनाफिकत नहीं करनी, ओरिजिनल होना चाहिए। तुम लोग झूठे हो, आम जिंदगी में मैंने आपको देखा रिकॉर्डिंग से किस कदर गलम गलो बदतमीजी बेहूदगी। यहाँ के मौजूद हम ऐसे नहीं, जो है वो है। बहुत काबिल तारीफ है कि सच को आपने बोला। मिलेगी ये लोग, मीडिया आज बंद है इस पर, कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहाँ पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है। सुनो भोसड़ी के, सुबह सुबह ना मूड तो खराब करो मत, ठीक है चाचा? वाह 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 कौन चाचा? वाह 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 ओ भोसड़ी वाले चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाए। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया, आज मैं मर गया भैया, कोई को मत बुलाना, मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई आज। 132 एक्शन। 2019 का धर्म युद्ध, 2019 के बाद क्या हिंदुत्व करेगा? सबका बेड़ा पार आज आर पार में इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूं। यहाँ पे काम चल रहा है यार, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। आखिरकार मौलाना ने मौत क्यों बांटी? एक घंटा हो गया तुम बकबक चौधरी कर रहे हो। अरे ये फैसला करना है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूँ, भर दे पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। मुझे बहुत अफसोस होता है दीपक भाई, मेरे चहेते पत्रकार थे आप। मैं अभी भी आपका चहेता पत्रकार बना रहूंगा। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। अमेरिका में ट्रंप ने मोदी की तारीफ में तड़का लगाया तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक पूरा का पूरा विपक्ष भड़का। विपक्ष भाव को नहीं समझ पा रहा या कहां पर परेशानी है? पहले तो आपसे मैं जानना चाहती हूं कि आपको भी लगता है मोदी फादर ऑफ इंडिया है? तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है तुम्हें? शर्म है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? साले माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज। तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हम जानते हैं बहुत सारे लोग अब हम पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाएंगे, बहुत सारे लोग फिर से हमसे ये कहेंगे कि हम फिर से धर्म को इस कोरोना वायरस के समय में धार्मिक आधार पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यही सत्य है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? जो हिंदू हित की बात करेगा वही 19 में क्या राज करेगा? अपन को आवाज सुनने पड़ता है यहाँ। जो हिंदू गर्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। रात में नींद में अगवा से क्या बदले का भाग्य? पहले हिंदू पाकिस्तान और अब हिंदू तालिबान। 2019 का धर्म युद्ध, 2019 के बाद क्या हिंदुत्व करेगा? सबका बेड़ा पार। आपने गलत बोला कि मैंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल करा, मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा है। ऐसा नहीं कि सुबह मतलब उठ के जो मुंह धोने से पहले बड़बड़ाता है आदमी।
बाथरूम जाते हुए नहीं कुछ भी बोल देते हैं कि जैसे कहे बुड़ 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 रंगीन बिल्ली। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ तो इनको दिक्कत क्या होती है? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांव में चनूने चनूने काट रहे हैं। कई मामले ऐसे होते हैं ना कि चिल्लम चिल्ली करके कुछ नहीं होगा, चिल्लम चिल्ली करके कुछ नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। गाते रहो, हरि का भजन गाते रहो, नरेंद्र मोदी से पैसा लेकर खाते रहो। इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं है? आप बहुत ज्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? ओ भाई, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जो बीमारी ना धर्म देखती है, ना मोहल्ला देखती है, ना कुछ और देखती है, ना स्टेट देखती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए। और जो लोग हिंदू मुसलमान लाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं कहता हूं कि कृपया इस चैनल से और मुझसे दूर रहिए। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? समर्थन न करे इसके लिए एड़ी चोटी का झोर लगाया, जिसके पास जो साधन था उपयोग किया, झूठ जितने फैलाने थे फैलाए। उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? लेकिन देश की जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या मतलब हुआ? हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए।